बेटा पानी लेके आओ। ध्रुव पानी के लिए बोल रहा हूँ बेटा, तुझे सुना नहीं पड़ा, तू फिर रील्स में घुस गया। शारदा शारदा, अरे क्या हो गया तुम्हारे बेटे को यार, हाँ दिन भर रील्स में घुसा रहता है, कभी देखता रहता है कभी बनाता रहता है। अरे दारू का नशा सुना था, सिगरेट का सुना था, ये नया सुन रहा हूँ रील्स का नशा। देखो शारदा कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, इस नशेड़ी को तो सुधारना पड़ेगा, कुछ तो करता हूँ। शर्मा यार अपने बेटे की आदत से बहुत परेशान हो गया हूँ, वो जब देखो तब रील्स देखता रहता है बनाता रहता है, कुछ उपाय हो तो बताना यार। रील्स रिहैब सेंटर, शर्मा तुझे मैं कॉल करता हूँ, रुक थोड़ी देर, रील से मुक्ति पाओ ये ठीक रहेगा। पापा ये कहाँ ले आए, मुझे मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बेटा तेरे भले के लिए आए हैं यहाँ पे, चल। नहीं पापा मुझे नहीं इधर जाना, चल चल चल। अरे पापा नहीं, क्यों? ए इंस्टाग्राम देवता, ऐसी रील्स चलाते रहो, ऐसी रील्स को रीच देते रहो, सब लोग को बनाने दो रील्स, मेरा तो ऐसा ही धंधा चलेगा एकदम। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। चल बेटा चल चल बेटा। अरे पापा क्यों लेकर आए हो यार मुझे इधर। अरे चल तो सही, तू बैठ यहाँ पे बैठ। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। मरीज कौन है आपकी? ये मेरा बेटा। अरे क्या मरीज मरीज लगा रखा है, मैं मरीज नहीं हूँ। हर मरीज यही बोलता है कि मैं मरीज नहीं हूँ, और यही मरीज की सबसे गंदी बीमारी। डॉक्टर साहब एक डाउट था, ये बाहर से जगह देखी हुई लग रही है। देखी होगी, एक्चुअली पहले ये टिकटॉक रिहैब सेंटर हुआ करता था, अभी इसे रील रिहैब सेंटर कर दिया, खाली बाहर से थोड़ा कलर वलर मारा और रिनोवेट कर दिया, अंदर सब कुछ सेम ही है, एक दो पेशेंट भी पहले वाले ही है, सेम हरकतें करते हैं अभी भी, तो उनको अभी तक अंदर ही रखा है। बताइए। मैं अपने बेटे को लेके बहुत परेशान हूँ, दिन भर रील्स देखता रहता है, ना खाता है ना पीता है ना सोता है ना नहाता है, दिन भर सिर्फ रील्स देखता रहता है, रात हो दिन भर सिर्फ स्क्रॉल करता रहता है ना, यही बीमारी है ना। एकदम सही बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। आता है मुझे ऐसे मरीज को ठीक करना, आप निश्चिंत रहिए, आप जाइए और इसे मेरे पास छोड़ दीजिए, फिर देखना कैसे बदलता है आपका लड़का। अरे क्या है, मुझे नहीं रुकना इधर। बेटा हम तेरी भलाई के लिए यहाँ पे आए हैं। डॉक्टर साहब देखिए इसको क्या हालत बना ली है अपनी। मुझे सिर्फ एक चीज जाननी है, मुझे ये जानना है कि जो इसकी बीमारी है ये कौन से स्टेज तक पहुंच चुकी है। स्टेज वन कि सिर्फ दिन भर रील्स देखता रहता है दिन भर। स्टेज टू ही हैज बिकम एन एस्पायरिंग क्रिएटर एंड ही वांट्स टू बिकम अ क्रिएटर। या स्टेज थ्री ही हैज ऑलरेडी बिकम अ क्रिएटर। कौन से स्टेज पे? कुछ दिन पहले तक तो ये रील देखता था, अभी दो तीन दिन से ये रील्स बताने लगा है, और इसको बादाम खाने के लिए दो तो ये कच्चा बादाम मांगता है। कुछ कुछ करिए डॉक्टर साहब, कुछ करिए। बच गया, बच गए, परफेक्ट टाइम पर लेकर आयो। अगर ये और दो तीन रील बना देता ना अभी तक, वो रील वायरल हो जाती, फिर ये क्रिएटर बन जाता और फिर ये जिंदगी भर के लिए पागल हो जाता। शुक्र मनाओ आपका बेटा आपके हाथों से निकला नहीं है, इसे तो मैं ठीक करता हूँ। मैं जा रहा हूँ। बैठ जा, तुझे रील्स की कसम, अगर तू उठा तो रील्स बंद हो जाएगा और तू क्रिएटर नहीं बन पाएगा। मैं नहीं उठूंगा। देखा बीमारी किस हद तक पहुंच चुकी है। बस डॉक्टर साहब आपसे ही उम्मीद, आप मेरे बेटे को ठीक। आप प्लीज ये हाथ मत छोड़िए, आप एकदम निश्चिंत रहिए और इसे मेरे हवाले छोड़ दीजिए, इसे तो मैं देखता हूं। पापा निश्चिंत, नया एडमिशन आया लेके जाओ। और दिन में कितने घंटे रील्स देखते हो? 3-4 घंटे ही सुबह और 3-4 घंटे शाम को। कच्चा बादाम, कच्चा बादाम, ये देखो नया नया कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। ए ठीक से खड़ा रहे, क्या कर रहा है? कच्चा बादाम। ये आराम से आदत डाल दे अभी। अरे आराम से, थोड़ा आराम से, ये 1 साल से इधर ही है, अब तक सुधरा नहीं। क्या हो गया है सबको? ये क्या है? ये दीवार में क्या कर रहा है? फोन है नहीं इनके पास, अभी दीवार में रील देख रहे हैं, अभी पता नहीं वो लोग को ही पता क्या देख रहे।
मिर्ची रील देख, रील देख। ये वो लोग ही है फर्स्ट व्यू फर्स्ट कमेंट बिग फैन वाले। तो डर लग रहा है। तेरे भी लगेंगे। ए, इसको लेके जा, इसको लेके जा। चल प्रैक्टिस करेंगे। मेरे को घर जाने में को डर लग रहा है। कौन है ये लोग? अरे तेरे ही तो प्रजाति वाले लोग है। अरे क्या मेरे प्रजाति के? मैं इतना रियल एडिक्ट नहीं हूँ। तू रियल एडिक्ट नहीं है? अरे नहीं हूँ मैं रियल एडिक्ट यार। पता नहीं बाप इधर छोड़ के चला गया। नहीं हूँ मैं ऐसा। ए यार मैं बोला था मैं इतना नहीं देखता हूँ। हाँ फालतू ही रही है यार। कहाँ लग गई मेरे को? ये क्या कर रहे हैं? एडिक्ट नहीं है ना तू? तू अंदर चल। अरे तू चल अंदर। मेरे को घर जाना है। मेरे को छोड़ देना है। बोला था ना, बोला था मैंने, बोला था मैंने। तू इतना उदास क्यों है? ये स्टेप कर, ऐसा 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 ऐसा, ये कर ये कर। काचा बादाम, काचा बादाम, काचा बादाम, काचा बादाम, काचा बादाम, क्या पढ़ 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 काचा बादाम। ए क्या ये सब? सब लोग साथ में खड़े हो जाओ। क्या है भाई तुम लोग? थोड़ा खोपड़ी ओपड़ी हिले रह गया। कौन सी प्रजाति के लोग हो तुम लोग? क्या है ये सब? क्या ये? आज का क्लास गानों के ऊपर है। तुम लोग के रील्स में बहुत तुम लोग की आदत है ना, वो दो गाने मिला के गाने की माँ बहन कर देनी है तुम लोग को। एक गाना गा नहीं सकते क्या? दो गाने मिक्स कर देते हो तुम लोग। एक काम करता हूँ, तुम लोग का ना ये तुम लोग की आदत है ना, ये सुधारता हूँ मैं। वो मुझे जरा वो गाना गा के सुनाओ। कौन सा है वो? तेरे बिन। हाँ हाँ गाओ, गा के सुनाओ वो वाला गाना। तेरे बिन जियो नहीं यो लगता मैं तो मर जावा। चुप बैठो यार। अरे असली गाना तुम लोग को आता ही नहीं है क्या? ये गाना नहीं है वो। अरे रील में कुछ और है इधर कुछ। मैं तुम लोग को बताता हूँ कि असली गाना क्या है, उसके बाद आएगा कि सोनिए ले जले जा। नहीं सर, I like $500. Yes, गाओ मेरे पीछे अभी। सोनिए ले जले जा। एक 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 वर्ड, एक एक वर्ड करके तुमको सिखाता हूँ, ठीक है? एक एक वर्ड, ठीक है? बोलो सोनिए। I got. सोनिए। I got. सोनिए। I got. सोनिए। I got. अपन अभी ना एक वर्ड को भी तोड़ते हैं, ठीक है? सोनिए को अपन बोलो सो सो नी नी ये ये सोनिए। आई गॉट 500,000 सोनिए। भाई लोग सोनिए ले जा ले जा, क्यों ऐसा कर रहे हो? सुना है ना तुम लोग? बता रहा हूं ना मैं, बोलो ना प्लीज। सोनिए 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 ले जा ले जा, सोनिए ले जा ले। थैंक यू सो मच। पूरा गाना गाओ अभी। तेरे बिन जियो नहीं यो लगता मैं तो मर जावा, सोनिए ले जले जा। एक नंबर, मजा आ गया। नेक्स्ट सॉन्ग। और एक गाना जिसके तुम लोग ने बराबर लिए, ठीक है? वो कौन सा है? वो जंगल है क्या? जंगल है लगले लगा है डर, दुनिया को भूल जाओ कुछ ऐसी बात कर। मैं करने लगा ग्राइंड और करने लगा वस्ते रही है ग्राइंड। शांत रहो यार, ये इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग में रैप सॉन्ग कौन घुसाता है? कुछ भी कर दे रील वाले। उसका नेक्स्ट लाइन ये है, असली गाना ये है, आजा मेरी बाहों में सोजा रख के सर। ये तो कभी नहीं सुना सर, कुछ भी बोल रहा है कुछ भी। सर हम लोग नहीं सुनेगा सर, ये तो कुछ भी बोलेगा। बोलो आजा मेरी बाहों में सोजा रख के सर। आजा मेरी बाहों में गले में मर के सर, सोजा मर कर हट। क्या सर और नहीं होएगा हमसे ये सब, हमको छोड़ दो हमारे हालत में। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। अच्छा लगा असली गाने मालूम पड़ गए कि कैसे होते गाने। अभी आता हूँ मैं कल वापस तुम्हारे वापस और गाने तोड़ने के लिए। ट्रेंड तोड़ता हूँ मैं तुम्हारा। इसको ही तोड़ डालते क्या? रात को देते इसको। क्या बोला? आता हूँ मैं कल 3 नए गाने लेकर। मेरा फोन किधर है? एक्सक्यूज मी मिस, हैज एनीवन सीन सुसु का है? सुसु नहीं 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 नह
तुम लोग को आधे घंटे से बोल रहे कपड़े चेंज नहीं हो रहे। कब से ट्राई तो कर रहे हैं सब ट्रांजिशन कर करके, बट हो ही नहीं रहे, क्या कर रहे? अरे मैं भी कब से, पैरों वाले से भी नहीं हो रहे, कब से ट्राई कर रहे हैं। अरे तुम लोग ट्रांजिशन क्या कर रहे हो, ये तुम्हारी रियल की दुनिया है, रियल दुनिया, इंसान जैसे कपड़े बदलो, ऐसा शर्ट पहन रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, ट्रांजिशन से होता है कपड़ा चेंज। नहीं होता सर, ये क्यों इतना मार रहे? वो जो दो छोकरे लोग है ना, वो ट्रांजिशन वाले, एक्चुअली उनको कपड़ा चेंज करने बोला, लेकिन बिना ट्रांजिशन के उनसे कपड़ा चेंज नहीं होता है, तो ऐसे ही अभी कपड़े चेंज कराएंगे ना हम लोग। तो बेटा ध्रुव, अगर तुम्हें कभी बोला कपड़े चेंज करने के लिए तो नहीं 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 नहीं, मैं नॉर्मली इसे शर्ट पैंट पहन लूंगा, मैं ट्रांजिशन नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं करूंगा। पक्का? प्लीज प्लीज। नहीं वरना वो जो निशित पियून है, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, सर ये रूम में कौन चिल्ला रहा है सर इतना जोर से? सर ये कीप आउट क्यों लिखा है सर? ये रूम में कौन है? ये रूम में वो लोग हैं जो लोग फिल्टर बहुत यूज करते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आज क्या किया ना मैंने, दो छोकरी लोग को आईना दिखा दी विदाउट फिल्टर, तो उन लोग से अपनी शक्ल देख ही नहीं जा, तो इसलिए चिल्ला रहे, पहली बार देखी ना खुद की शक्ल। ध्रुव अगर तू भी फिल्टर यूज करता है तो नहीं 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 सर, मैंने कभी फिल्टर यूज नहीं किया सर, मुझे ये दोनों रूम की जरूरत नहीं है सर, माफ कर दो सर, मत डालना इस रूम में सर। पक्का? मतलब दो चीजें सुधर गई, चलो चले। आई नो आई बीन वेरी रूड एंड हार्श टू यू गाइज, बट दिस सेशन इज ऑल अबाउट, थोड़ी देर रुक जाना, एक लाइन बची है। But this session is all about letting your emotions out. भाई बचा है एक लाइन, letting your emotions out and आपके दिल में जो भी है बांटिए ताकि आपको थोड़ा हल्का फील हो। Let's start with नवीन। अभी बोल सकता है सर, मुझसे नहीं होगा सर, आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। पक्का आपको कुछ नहीं बोलना? नहीं सर नहीं। ठीक है मैम, डू यू वांट टू शेयर एनीथिंग? मैं एक साधारण सी लड़की थी, कभी मेकअप नहीं लगाती थी, पर रील्स बनाते बनाते मेकअप लगाने की आदत हो गई। हद तो तब हो गई जब फाउंडेशन नहीं था तो आठा लगा देती थी और लिपस्टिक नहीं था तो गोला चूस लेती थी। 60 सेकंड ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। इन रील्स के अगर मैं 60 सेकंड से ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाता, चलता हो तो 60 सेकंड में थक जाता हूँ, सोता हो तो 60 सेकंड में उठ जाता हूँ, और हगने गया तो 60 सेकंड बाद कुछ निकलता ही नहीं है। पर हद तो तब हो गई जब गर्लफ्रेंड के साथ 60 सेकंड के ऊपर आई कैन फील इट ब्रो। अभी आप कुछ बताना चाहोगे? नहीं सर, मुझसे नहीं हो पाएगा सर आगे। ओके सर, लिप सिंगर इसका आवाज नहीं आएगा। हंस कर रहे, तेरी बारी है बोल। आप कुछ बताइए। मैं ट्रांजिशन रील्स बनाता था, पता है वो गाना आया था, बल्ली लेते मुखड़े ते दिल लल चावे। उस रील के चक्कर में मैंने इतने कपड़े निकाले कि वो कपड़े घड़ी करते करते मेरी पूरी जिंदगी निकल गई और मैं यहाँ पहुंच गया। एक नंबर भाई, एक नंबर, मतलब मस्त लगे। कट 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 भाई। अभी आप कुछ बताना चाहोगे? आई मीन कब से आप रो रहे हो? प्लीज प्लीज यू कैन शेयर, प्लीज बताइए। सर मेरी साइकिल चोरी हो गई सर। हाँ हाँ तो
सर ब्लू कलर की रेजर बैग थी सर, चोरी हो गई। तो सर ढूंढ के दो ना। मैं ये पुलिस स्टेशन नहीं है, ये थोड़ी ना पुलिस स्टेशन है, ये तो रियल रिहैब सेंटर है। कौन गलत एड्रेस दिया बे? अभी तक तो मेरी साइकिल खोल खाल के बेच दी होगी। कहाँ कहाँ से एड्स वाले लोग आ जाते हैं इधर। एनीवेज आई होप यू ऑल लाइक द सेशन। You all like session. What I was saying was, I hope I was a good mentor for you guys. Do you have any comments for me? Comments? Nothing. Just final, one last thing. Do you want to share anything else? Nothing. कुछ बोला ही नहीं मैंने। अब नेक्स्ट क्लासरूम में चलते हैं। कम ऑन फॉलो मी। फॉलो लाइक शेयर करो। नहीं, फॉलो। क्या ध्रुव, सुनने मारा तू बहुत ट्रेंड कर रहा है गेम में सम वाला, लेकिन तेरे बाप ने मुझे पैसा दिया है, मेरे को तेरे को ठीक करना ही पड़ेगा, परमानेंट इलाज। निशित खोल दे इसको पूरा, इसका इलाज इसके तरीके में करता हूँ। खोल दे पूरा। खड़ा तेरे को बहुत ट्रेंड करने का आदत है ना, अभी तेरे को बताता हूँ मेरा ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजी। सर मैं नहीं करता ट्रेंड, वो गाना बजता तो बॉडी अपने आप करती है सर। हाँ तो तू अभी तो अपने आप ही छोड़ेगा, जो स्ट्रैटेजी है ना तू अपने आप ही छोड़ेगा। निश्चित लेके आ। सर ये कैक्टस क्यों? बता दो। निश्चित म्यूजिक वापिस करेगा ये वाला ट्रेंड? ऐसे ही नहीं बोलते मुझे रील का रावण। म्यूजिक नमस्ते डॉक्टर साहब, आपने फोन किया था? क्या हुआ मेरे बेटे को, ठीक हो गया क्या वो? जी हमने हमारे एंड से तो पूरी मेहनत कर दी, अभी आपके बेटे पे डिपेंड करता है कि वो ठीक हुआ है कि नहीं। एक आखिरी परीक्षा जी, अगर वो परीक्षा आपके बेटे ने पार कर ली तो समझ लो आपका बेटा रील मुक्त हो गया। क्या है परीक्षा वो? इधर आइए। हर एक रील एडिट की ये निशानी होती है कि फोन हाथ में आते ही सबसे पहले वो लोग अपना इंस्टाग्राम खोलते हैं। आज हम इन सबको इनका जब्त किया हुआ फोन वापस दे रहे हैं, और इनका टेस्ट यही है कि फोन हाथ में आते ही इन्हें इंस्टाग्राम नहीं खोलना। अगर आपके बेटे ने आज इंस्टाग्राम नहीं खोला तो समझ लेना आपका बेटा मुक्त हो गया। तुम दोनों फेल हो चुके हो। कैसे? ये इंस्टाग्राम खोल के रील क्यों स्क्रॉल कर रहे हो? ये कब किया मैंने? ये कौन ऐसा ऐसा तेरा बाप कर रहा है? चलो तुम दोनों को ड्रॉप लग गया है, अभी चलो एक साल इधर ही बर्बाद वापस। सर 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 सुन लो रीचेक कर लो ना 300 रुपए में। अरे ये क्या रिटर्न एग्जाम था, प्रैक्टिकल है। चलो अरे नहीं जा रहे, चलो नहीं जा रहे, फिर से नहीं।
ध्रुव जैसे कई नौजवान इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। आइए एकजुट होकर इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये इंस्टीट्यूशन चालू रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर करें हर उस नौजवान से जिसको इस रील रिहैब सेंटर की ज़रूरत है। शायद आपको इससे फ़र्क ना पड़े, लेकिन आपके हर एक लाइक से, हर एक कॉमेंट से और हर एक शेयर से हमें फ़र्क पड़ता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब टू फंचो ताकि एडमिशन चालू रहे।